अब मैं दोस्तों आखिरी जुताई शुरू करता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेस्सी है अपना और ये मास्क्यो कंपनी का जो जायरोवेटर है, ये देख सकते हैं कितनी महीन जुताई करता है हमारे वाला। चलो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ इसे हम कैसे सही तरीके से चलाते हैं और सही तरीका कौन सा है। दोस्तों सबसे पहले न्यूट्रल देख लेंगे, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, उसके बाद में क्लिच दबाकर पूरा ये पीटीओ का गियर है ये डाल लेंगे और इसमें पहले जो स्पीड है, पहले गियर में स्पीड इसकी कम है तो इसके हम आरपीएम जो है 1500 कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों ट्रैक्टर कितना बढ़िया चल गया है और इसने माडक से ही आरपीएम ड्रॉप किए हैं, मुश्किल से 50 आरपीएम ड्रॉप किए हैं। मैं आपको पीछे दिखा दूं ये कितना दबाकर रोटावेटर चला रहा है जायरोवेटर, और अगर मैं इसकी पूरी स्पीड करूंगा ज़्यादा तो दोस्तों ये ट्रैक्टर दबेगा लोड पर, लेकिन इस समय जो है इसके पूरे आरपीएम बिल्कुल बढ़िया चल रहे हैं और ट्रैक्टर बिल्कुल भी धुआं नहीं दिखा रहा, ना ज़्यादा लोड मान रहा। दोस्तों इसकी जो दूसरे के लो गियर की स्पीड बहुत ही अच्छी है, चलाता हूँ खेत की जुताई पूरी करनी है क्योंकि कल हम इसमें गन्ना बोएंगे। मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने ट्रैक्टर की घनी दही ना तोड़ें दोस्तों, क्योंकि जब इंजन में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो बहुत मोटा पैसा लगता है और वो ओरिजिनल बात नहीं आती, और आप इसके जो मीटर हैं टेम्परेचर वगैरह का बिल्कुल ध्यान रखें, समय पर सर्विस करवाएँ। भाइयों आप देख रहे हैं इस समय पुनीत भाई ट्रैक्टर चला रहे हैं और आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे ट्रैक्टर कितना मस्ती से बिल्कुल प्यार से चल रहा है, ना कोई लोड मान रहा बिल्कुल भी और बहुत ही मध्यम स्पीड पे चल रहा है, और जायरोवेटर भी पूरा ज़मीन में घुस रहा है आप देख सकते हैं नज़दीक से बिल्कुल, तो बहुत बारीक भान कर रहा है और ट्रैक्टर बिल्कुल मस्ती के साथ में। दोस्तों इस चाल पे जो है एवरेज बहुत ही अच्छा आता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, नमस्कार, और कुछ सुझाव हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करें, नमस्कार।